आपके नाखून, आपकी उंगली, आपके नेल पॉलिश के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज आपको आपकी उंगली पर वो शंख दिखाऊंगी जो आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, साथ ही उंगलियों पर कितने शंख आपको राजा बनाएंगे वो भी जानेंगे। आपके नाखून का शेप क्या कहता है, नाखून पर किस रंग का नेल पॉलिश लगाना चाहिए ये सब जानेंगे, साथ ही नेल्स को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी। आज जब नाखूनों की बात हो ही रही है तो क्यों ना उन उंगलियों की बात भी कर लें जिन पर नाखून जो है वो पनपते हैं, यानी कि आपकी फिंगर्स की बात कर ली जाए। आज मैं आपको आपकी उंगलियों पर शंख की जानकारी दूंगी। जो शंख बेहद शुभ होते हैं और आपकी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। चलिए आपको बताती हूँ शंख होता क्या है। शंख बेसिकली इस तरीके से एक डिज़ाइन आपकी उंगलियों में बना होता है, आप उसको देख सकते हैं, वो यूँ घूमता है, यूँ यूँ इस तरीके से चक्र होता है और फिर शंख यूँ होता है इस तरीके से आपकी उंगलियों पर। उंगलियों में एक शंख हो तो वो अच्छी पढ़ाई कराता है। सपोज यहाँ पर एक शंख है तो ये अच्छी पढ़ाई कराता है और बड़े पद पर ले जाता है, साथ ही सामाजिक काम भी बड़ा चढ़ाकर करता है। जिसकी उंगलियों में दो शंख बने, सपोज यहाँ पर भी एक शंख बनता हो, जिसकी उंगलियों में दो शंख बने वो जीवन में जो सोचता है वो पाता है और उसका जीवन सामान्य होता है। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर कहकर करते हैं। जिसकी उंगली पर तीन शंख होते हैं वो महिलाओं की तरफ से ज्यादा अट्रैक्ट रहता है और उन पर पैसा भी खर्च करता है। ऐसे लोग ज्यादातर क्लर्क, सेक्रेटरी या PRO बनते हैं। इसी तरीके से जिनके हाथों की उंगलियों में चार शंख होते हैं वो राजा जैसा सुख पाता है। चार शंख हैं तो राजा जैसा सुख पाता है, ये सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग परिवार के, अपने नाम के, अपने फैमिली के कुल दीपक कहलाते हैं। ऐसे लोग विधायक, सांसद, मंत्री जैसे पद पर रहते हैं। और जिनके हाथ की उंगलियों में पांच शंख होते हैं, पांच शंख अगर होते हैं तो अधिकतर लोग, ये मैक्सिमम लोगों के दिल पर राज करते हैं और कारोबार के लिए पानी की तरह यात्रा करते हैं। अब अगर दूसरे हाथ को भी मिला लें और छह शंख हो जाएं तो ये अपनी बुद्धि से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे लोग ज्योतिषी, धर्म उपदेशक, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जिसकी उंगलियों पर सात शंख होते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इन लोगों की संतान होने के बाद भी जीवन के हालात बेहतर होते चले जाते हैं। जिसके हाथ की उंगलियों में आठ शंख होते हैं ये लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर सुखी जीवन बनाते हैं। ये लोग अपने संबंधों की वजह से जल्दी ही ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। और जिसके हाथों की उंगलियों में नौ शंख होते हैं वो महिला की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है और वही काम करता है जिसे महिला आकर्षित हो। ऐसी और जिन फीमेल्स के हाथों पर अगर नौ शंख होते हैं तो उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है और 40 की एज के बाद इनका समय अच्छा आता है। अब जिसके हाथों की उंगलियों में 10 शंख हों, अगर सारे शंख हों, तो वो लोग IAS, IPS, प्रमुख सचिव जैसे बड़े पद पाते हैं। इनका जीवन हमेशा सुख से बीतता है। ऐसे लोगों के जीवन में 45 ईयर्स के बाद बदलाव आता है। फेसबुक पर पूजा वर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। पूजा वर्मा के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसी का इलाज जानने के लिए जानना चाहती हैं कि क्योंकि मदर इनकी नौकरी को लेकर चिंतित है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए ये उपाय जानना चाहती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए पूजा, आप डेली श्री सूक्त का पाठ करें, नॉर्थ में बैठकर साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा करें, सिल्वर कलर के कपड़े पे बैठें और ये पाठ करें। 44 डेज लगातार करना है, आपको फर्क दिखने लगेगा।